यो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द डक्सर लेजेंड। वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो का टॉपिक आप लोग जो हमारे थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिफरेंट सा चीज आपको सिखाने वाला हूं। आज के वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं ब्राजीलिया, मतलब पुर्टोरिको में आपका ब्राजीलिया, बरमूडा में आपका क्लॉक टावर और भी बहुत सारे जगहों में ये वाले हाउस मिलते हैं। और इस वाले हाउस में आज तक YouTube में बहुत सारे वीडियो है जहाँ पे आपको सिखाया गया कि इस वाले हाउस में कैसे रस करते हैं, लेकिन आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वाले हाउस में कैसे आप सर्वाइव करोगे। तो इस वाले वीडियो में आपको जो जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, अगर वो आप ठीक ठाक फॉलो करते हो तो आपको मैच के आखिर में बहुत ज्यादा किल मिल जाएगी। हो सकता है आपके पास 4 या 5 किल हो जाए, क्योंकि जो भी इस बंदा इस वाले हाउस में रस करने जाएगा आपको वही मर जाएगा अगर आप एकदम अच्छे से स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो। तो वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, इसलिए अगर आप इस वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, तो आप वीडियो को पूरा देख लेना। अगर मैं आज आपको जो जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू कर देते आज का हमारा वीडियो। तो अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आपको ज्यादा बंदे मारना नहीं आता तो भी आप लोग ये वाला स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। अगर आपके पास एक ग्लू वॉल या फिर 2 ग्रेनेड होगा या फिर 2 अगर आपके पास लाइन माइन भी होगा तो भी आप ये वाला ट्रिक बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। तो नॉर्मली सब बंदे क्या करते हैं, सब बंदे ये वाला पोजीशन इस वाले पोजीशन में आके बैठ जाते हैं अगर उनके पास शॉट गन हो या फिर कोई भी वेपन हो, जैसे MP5 या फिर कोई भी SMG वेपन जैसे MP40 मेरे पास है, यहाँ पे आके आप लोग बैठ जाते हो। तो अभी तो बहुत ज्यादा यूट्यूब में वीडियो आ चुके हैं जहाँ पे हमें सिखाया जाते कैसे आप यहाँ पे रेस्ट करोगे, तो आप यहाँ पे सर्वाइव कैसे करोगे। नॉर्मली ये तो ठीक वे है जहाँ पे आप सर्वाइव करोगे, लेकिन आप तो बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेटेजी आ चुके हैं आपको बचने के लिए। तो आप देख सकते हो मेरे नीचे में एक बंदा है, मुझे उसका फुटस्टेप आ रहा था मेरे कानों में क्योंकि मेरे पास हेडफोन था। तो देखिए मैं उसको पुश कर रहा हूँ, मैं उसको ऊपर उड़ाने के लिए एकदम मतलब ये चीज कर रहा हूँ जिससे वो बंदा ऊपर आ जाए, मैं उसको मार पाऊँ। लेकिन अभी वो बंदा ऊपर नहीं आया क्योंकि उनको पता है कि कैसे उनको ऊपर आना पड़ेगा। तो मैं अभी क्या करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इस वाले पोजीशन में 2 लैंडमाइन बैठा दूंगा। तो ये एकमात्र पोजीशन है जहाँ पे अगर वो बंदा आएगा तो यही पे वो कवर लेगा। तो इसलिए मैं इस जगह पे 2 लैंडमाइन बिठा रहा हूँ। 2 मैं इसलिए बिठा रहा हूँ क्योंकि 1 लैंडमाइन से ज्यादा डैमेज नहीं आता। अगर उसके पास भेस्ट होगा तो 165 का आएगा, लेकिन अगर आप 2 लगाओगे तो वो एकदम श्योर मर जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो बंदा कितना अच्छे से वहाँ पे ग्रेनेड पे एकदम एक्यूरेट जगह पे ग्रेनेड पे जहाँ पे हम लोग बैठते, तो उस बंदे ने ऊपर रस मार चुके, वो ऊपर आ भी चुका है वो बंदा, लेकिन वो अभी तक अंदर नहीं आ रहा है, मेरे ऊपर रस नहीं मार रहा। लेकिन जब वो रस मारेगा तो वहाँ पे वो कवर लेने के लिए जाएगा, और जैसे वो गया और देखिए वहाँ पे मर गया। और आप देख सकते हो बंदा भी सरप्राइज हो गया, इसलिए उसने मुझे एक लाइक भी दे दिया। तो आप लोग देख ही सकते हो मैंने कितनी आसानी से बंदे को मार दिया, मुझे उसके ऊपर फायर भी नहीं करना पड़ा। और आपके सामने जितना भी प्रो बंदा हो वहाँ पे जगह कवर लेगा ही लेगा, क्योंकि आपके पास पहले से एक परमानेंट कवर है और वही सिर्फ एकमात्र जगह है जहाँ पे एक और कवर रहता है। और आपको ये वाला पोजीशन ही ब्लॉक कर देना है लैंड माइन से, और 2 लैंड माइन लगाने की वजह से वो बहुत ही आसानी से मर गया क्योंकि एक से तो 192 का डैमेज पड़ा। और अगर आप एक बिगिनर हो, आपको बंदा मारना नहीं आता या फिर आप इतने अच्छे से बंदे को मार नहीं सकते, फिर भी आप लोग ये वाला स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो क्योंकि इससे आपको बंदे को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लैंड माइन आपका काम कर देगा। तो अगर आप लोग हमारा पहला वाला स्ट्रेटेजी अच्छा लगा तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक कर देना, और पास में एक बेल आइकन मिलेगा उसको ऑल नोटिफिकेशन सेट कर देना, इससे आपको हमारे हर एक बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बढ़ते हमारे दूसरे स्ट्रेटेजी को, अगर आप सेकंड फ्लोर के इस वाले जगह पे हो तो आप कैसे आपको अपना डिफेंस करना पड़ेगा। तो इस जगह पे आप लोग अपना डिफेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको विंडो के यहाँ पे आप देख सकते हो विंडो के ठीक इस वाले पोजीशन में आपको 2 या फिर 1 लैंडमाइन लगाना पड़ेगा जितने आपके पास है, क्योंकि यही एकमात्र पोजीशन है जहाँ पे एनिमी अगर ऊपर आ गया तो यही पे वो कवर लेगा। और समझिए सपोज वो वाला एनिमी वहाँ पे जाके नॉक भी हो गया और आप सोलो वर्सेस डुओ खेल रहे हो, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो, तो सामने जो दीवार है वहाँ पे ग्रेनेड मार देना अगर आपके पास होगा तो क्या होगा, अगर वहाँ पे ऊपर कोई एनिमी आया मतलब उसका फ्रेंड या फिर आपका जो एनिमी आया उसको रिवाइव देने, तो वहाँ पे ग्रेनेड की वजह से वो भी नॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एनिमी ऊपर नहीं आ रहा, वो जो नीचे उस पोजीशन से अगर वो पिक कर रहा और बार बार मार रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको उस समय उस एनिमी को उस वाले कवर से उसको निकालना पड़ेगा, निकाल के मारना पड़ेगा। उसके क्या करना, आप ऐसा करना उसके बाद ऐसे आपको मूवमेंट देकर वापस अपने कवर में आ जाना पड़ेगा, इस समय वो आपको थोड़ा बहुत डैमेज दे देगा और ऊपर आपको मारने के लगा, तभी आपको जंप करके उसको फिर से मारना पड़ेगा और उस समय आपका हेड लग जाएगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल ट्रिक है, अगर आपका मूवमेंट अच्छा नहीं हो तो ये वाला ट्रिक आप यूज मत करना, और आपका समरा लेने भी प्रूफ हुआ तो आपको मार देगा। उसके सिवा आप एक चीज कर सकते हो, आप यहाँ पे एक ग्लोअल मार सकते हो, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, यहाँ पे आप एक ग्लोअल मार सकते हो। इससे क्या होगा, आपके सामने वाले एनिमी को लगेगा कि आप डर चुके हो, इसके लिए वो अपना कवर छोड़ देगा, कवर छोड़ कर आपका जो ग्लोअल है उसको फोड़ने के लिए आ जाएगा। उसी से आप क्या करना, यहाँ पे एक विंडो, इस विंडो से निकलना, निकल के सामने वाले विंडो के ऊपर चले जाना, उसके बाद वहाँ पे जाके अपना कोई शॉर्ट रेंज गन ले लेना, शॉर्ट रेंज गन को लेकर आप वहाँ से फायर करना, तो आपका एनिमी बहुत आसानी से मर जाएगा। लेकिन अगर नहीं मरा तो सपोज आप यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे कवर लेना और यहाँ पे मारना, उसके बाद ग्लोअल मार देना। तो अगर आप लोग इतना करते हो तो इतना करने से आपका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, आपके सामने वाले एनिमी मर जाएगा। और आपका अगर सामने स्क्वाड हुआ, सपोज सामने स्क्वाड हुआ फिर भी 1 या 2 बंदा बचा है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप डैमेज हो तो उस समय आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे आके अपना हील कर सकते हो, अपने आपको फिर से नॉर्मल कर सकते हो, अपना डैमेज बढ़ा सकते हो। फिर आप यहाँ पे आना है ग्रेनेड, तो यहाँ पे एक ग्रेनेड मार देना, इससे क्या होगा, इससे आपका सामने वाले एनिमी अगर आपके पीछे आएगा, मतलब 2 हो या फिर 1 हो अगर आपके पीछे आएगा, तो इस वाले ग्रेनेड के एक्सप्लोजन की वजह से वो लोग मर जाएंगे और इससे आपका किल भी आ जाएगा और आप बहुत ही आसानी से सोलो रह के पूरा स्क्वाड खत्म कर सकते हो। अगर ये वाला ट्रिक आप अच्छे से फॉलो करते हो, मैंने अभी तक जो जो ट्रिक बोला अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो, तो आप लोग बहुत आसानी से हीरोइक पुश कर सकते हो, यहाँ तक कि आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल के आप ग्रैंड मास्टर भी जा सकते हो। अगर ऐसे बहुत सारे ट्रिक आने वाले चैनल
में अगर सब आप देख लोगे तो आप लोग भी बहुत अच्छे प्रो प्लेयर बन जाओगे। तो आज का वीडियो यही देखिए था, और ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले, बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियो आने वाले, बहुत सारे लैंडमाइन टिप्स एंड ट्रिक्स, ग्लोबल टिप्स एंड ट्रिक्स आने वाले, तो इसके चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो आज के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा।